नमस्कार, आप देख रहे हैं जीतू सर लक्ष्य। टुडे वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन ऑफ क्लास 11 जेई नीट एंड कम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ नॉर्मेलिटी मोलरिटी एंड मोलरिटी। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 250 ग्राम कार्बनिक यौगिक से 141 ग्राम AgBr प्राप्त होता है, तो ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतिशत मात्रा यदि निकालनी है तो एक सूत्र पढ़ा है ना, प्रतिशत भार से या भार प्रतिशतता, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। पर इसमें विलेय और विलयन क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसमें विलेय और विलायक के बारे में बात ही नहीं की गई। एक कोई यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, कुछ अभिक्रिया हुई होगी, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ? AgBr प्लस कुछ और मिला होगा। ये कितना था? 250 ग्राम। ये कितना है? 141 ग्राम। प्लस कुछ और बना होगा तो बाकी उसमें टूट गया होगा। तो कितनी प्रतिशत मात्रा है? अच्छा, सीधा सीधा ये सवाल जेई का बन गया। अगर क्लास 11 का बनाया जाए ना, तो BR की जगह जानते हैं किसका पूछ ले, AgBr का। तो द्रव्यमान की जगह कितना रख देते? 141। कुल द्रव्यमान की जगह कितना रख देते? 250 गुणे 100। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं कि ये बटे ये गुणे 100, पूरा जितना जिसका पूछा गया है। लेकिन इसमें पूछा किसका गया है? ब्रोमीन का। अच्छा, जानकारी कंप्लीट करने के लिए Ag का परमाणु भार 108 होता है, ब्रोमीन का कितना होता है? 80। ब्रोमीन का कितना होता है? 80। नहीं पता तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब पूछा किसका गया है? ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। अगर ब्रोमीन का निकालना तो द्रव्यमान किसका रखना पड़ेगा? ब्रोमीन का बटे में कितना रखना पड़ेगा? कुल की जगह कितना रख देंगे? 250। क्या ब्रोमीन का द्रव्यमान कोई बता सकता है इस क्वेश्चन में? बस यहीं पे थोड़ा सा ट्रिक है, बाकी तो आसान है। 141 ग्राम पूरा का पूरा सिल्वर ब्रोमाइड है, ब्रोमीन बस नहीं है। इसमें कुछ भाग क्या होगा? इसका कुछ भाग किसका होगा? ब्रोमीन का। अब देखिए कैसे करना है, तो सुनते। AgBr का परमाणु भार कोई बता सकता है कितना होगा? कितना होगा? 108 प्लस 80। Ag का 108 क्वेश्चन में दिया है, ब्रोमीन का कितना? 80। अच्छा, इसका परमाणु भार कितना होता है? इसका मतलब जानते हैं क्या है? 188 टोटल होता है सिल्वर ब्रोमाइड। 188 में से कितना ब्रोमीन होगा? 80 होगा। 188 में से कितना होगा? 80 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो एक में कितना होगा? इस सवाल में कितना दिया गया है? 141 में कितना हो जाएगा? 141 गुणे 80 बटे 188। बस अब इस सूत्र में उठा के रखिए, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। देखिए, ये सिर्फ किस लिए किया गया है? द्रव्यमान हमको किसका रखना है? ब्रोमीन का। अब ये किसका द्रव्यमान है? AgBr का। पर एक चीज़ हम ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा सिल्वर ब्रोमाइड होता है 188। तो 188 में अगर तुलना की जाए तो कितना होता है? 80। इसको हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम, या जो अनुपात के नियम हम पढ़ेंगे, इसमें इतना होता है। तो एक में इतना होगा, 141 में कितना होगा? इतने ग्राम होगा। और इसको उठा के कहाँ पे रख दें फाइनली, किस सूत्र में? 141 गुणे 80 बटे 188। कुल द्रव्यमान की जगह कितना रख देंगे? 250 इंटू कितना कर दें? 100। बच्चों कैलकुलेट करिए, जो आ जाए वही इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेट करिए, जो आ जाए वही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपके पास चार विकल्प है, ये बात ध्यान देने की है, नहीं तो बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नेक्स्ट ईयर भी काम आएंगे, आगे भी काम आएंगे। इसका कैलकुलेशन बच्चों करते हैं, करके आंसर लिखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 250 बीच में चला जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 चौको 100। 4 से यदि भाग दे तो 47 बार जाएगा, और 47 क्या ही 141, 8 3 24%। इस क्वेश्चन का आंसर है 24%। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 15 ppm भार से में विलेय की प्रतिशत मात्रा मोललता ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? विलेय की प्रतिशत मात्रा। क्या कोई मुझे मतलब बता सकता है 15 ppm का क्या मतलब है?
मतलब बताएंगे, भार से का मतलब है द्रव्यमान से। बेटा कई बार लिखा चुका हूँ, हल 10 की घात एम का मतलब क्या होता, मिलियन का मतलब 10 की घात 6 ग्राम में कितने ग्राम विलेय है, 15 ग्राम विलेय है। अब सॉल्व ना हो गया। अच्छा प्रतिशत मात्रा का सूत्र क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इनटू में क्या कर देते हैं 100, विलेय का द्रव्यमान कितना रख देंगे 15, विलयन का द्रव्यमान कितना रख देंगे 10 की घात इनटू 100। क्या इसको कोई सॉल्व कर सकता है, कितना आ जाएगा बेटा 15 इंटू 10 की घात, गुड, कितना -4%। ये 10 की घात 2 है, ये 10 की घात 6 है, भाग में घातें घट जाती हैं, घट कर जो आंसर आएगा, आसान है कि नहीं आसान है, पहला के बाद दूसरा। PMT का मतलब होता है प्री मेडिकल टेस्ट ना, मध्य प्रदेश का कोई एग्ज़ाम है, क्योंकि केमिस्ट्री तो सब में पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ का पोर्शन अलग हो जाता है। मोल अलता ज्ञात करें, ये आपको निकालना है। मोल अलता का सूत्र क्या होता है, परिभाषा कोई बताएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब अगर मोलों की संख्या निकालना है ना, तो इसमें नाम भी देना चाहिए। थोड़ा सा सवाल को कंप्लीट करें, तो इसमें मैं नाम लिखता हूँ O2। O2 ना लिख दूँ तो कोई ऐसा लिख दूँ 15 PPM भार से H2SO4, कुछ लिखना चाहिए जो चीज़ लिखा नहीं है। मोललता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में बेटा क्या होता है, बटे में विलयन नहीं होता है, विलायक का द्रव्यमान किस में, किलोग्राम में। चलिए हल करिए, आंसर बताइए। 15 PPM भार से H2SO4 की मोललता है निकाल रहे हैं। मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। क्या सॉल्व करेंगे आप लोग कि मैं ही सॉल्व करूं? मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान बटे, द्रव्यमान की जगह कितना रख दोगे, मोलर द्रव्यमान की जगह कितना रख दोगे 98, विलयन का विलायक का द्रव्यमान कितना रखोगे, बताइए कितना रखोगे। यहीं पे सवाल मेन है, बोलिए भैया। 10 की घात 6 नहीं रखेंगे, विलायक का द्रव्यमान कितना रखेंगे, अरे भैया ये नहीं रखेंगे 10, इसका मतलब ये होता है कि 10 की घात 6 ग्राम विलयन में 15 ग्राम विलेय है, तो विलायक कितना होगा, विलयन माइनस विलेय, विलायक की मात्रा की जगह कितना रख देंगे इतना। अब इसका सॉल्यूशन कठिन है, इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा, काट पीट के जो आ जाए। यूनिट क्या लिख देंगे, मोल प्रति किलोग्राम। अच्छा यहाँ पे अभी ये गलत लिखा है, क्यों क्यों गलत लिखा है, ये किस में है, ग्राम में, ये किस में है, इसको किस में बदलना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, 1000 का भाग देंगे और 1000 नीचे से कहाँ चला जाएगा। और इसको आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, जो आ जाए वही इसका आंसर है। अरे भाई विलायक का द्रव्यमान केजी में है रखते हैं, अगर केजी में रखना है तो ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो इसको इससे घटाना है, लेकिन ये ग्राम में आएगा, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दे देते हैं, नीचे से ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे जो आ जाए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 PMT, ये ज़्यादातर सवाल प्री मेडिकल टेस्ट के हैं और ये आपकी किताबों में भी हैं। एक दिन हमने ऐसा क्वेश्चन और किया था, जो JEE में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं,
इस टॉपिक को आपको क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ना है, लेकिन क्लास इलेवंथ में पढ़ के जाते हैं तो ट्वेल्थ में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ट्वेल्थ में मेन चैप्टर विलयन है, उसके पहले छोटी छोटी बातें डिस्कस की जाती हैं, तो ये आपके हमेशा देखने के काम आएगा। अच्छा, डायरेक्ट सूत्र बताऊँ बिना हल किए? एक सूत्र लिखा होगा आपने, ए भैया मिश्रण की मोललता, किसी को सूत्र याद है? एक दिन सूत्र डेरिवेशन भी कराया था उस दिन, कि कैसे ये सूत्र बना है। एक बार मैं फिर से लिख दूं, मान लीजिए एक मिश्रण ए है, एक मिश्रण बी है, इसकी मोलरता कितनी है m1, इसकी कितनी है m2 v2। अच्छा मिला देंगे तो आयतन क्या हो जाएगा? v1 प्लस, सूत्र क्या होता है? मोलों की संख्या बटे आयतन, यही तो होता है। लेकिन मोलों की संख्या किसके किसके लिखेंगे? पहले बिलियन प्लस, बेटा पहले बिलियन के मोल कैसे निकाल सकते हैं? सूत्र क्या होता है? n1 बराबर m1 बटे b1। अरे m1 बराबर क्या होता है? मोललता बराबर मोलों की संख्या बटे क्या होता है? आयतन। तो ये नीचे से कहाँ चला जाएगा? तो पहले के मोल कितने आ जाएंगे, दूसरे के मोल कितने आ जाएंगे? आपको क्या करना है? डायरेक्ट ये सूत्र याद रखना है। कब याद रखना है? जब मिश्रण की मोललता पूछी जाए, एक मिश्रण को दूसरे मिश्रण से मिला दें तो प्राप्त मिश्रण की मोललता कितनी होगी। अच्छा बेटा यहाँ पे m1 की जगह कितना रखेंगे, कितना रखेंगे? तीन। v1 की जगह कितना रखेंगे? 25। m2 की जगह कितना रखेंगे, कितना रखेंगे बोलिए? 4 मोलरता। और एम वी टू की जगह कितना रखेंगे, किस में उठा के रख दें? इस सूत्र में रख दें। एम वन बी वन कितना हो जाएगा? 25 ते आए। एम टू बी टू कितना हो जाएगा? 3000। बी वन प्लस बी टू कितना हो जाएगा? अब इसको क्या करना है, इसको क्या करेंगे बेटा? घर पे सॉल्व करके आंसर लिखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में लास्ट में पॉइंट में ही आंसर आएगा, पॉइंट वन टू पॉइंट अप्रॉक्स आंसर दिया जाता है। और अप्रॉक्स निकालना हो तो कैसे निकाल लें, किससे कैंसिल करें? 25 से ये कैंसिल, 25 से करना 25, 5 25 दूनी 123 बटे 31, इससे लगभग डिवाइड करेंगे तो जानते कितना आ जाएगा? 3.9। और मात्रक क्या लिख देंगे, यूनिट मोल प्रति लीटर, दिस इज द सॉल्यूशन। लगभग वैल्यू मैंने निकाल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 0.3 m फास्फोरस की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, चौथा क्वेश्चन है आज का। अच्छा 0.3 m का मतलब क्या है? मोलरता कितनी दी गई है? 0.3। निकालना क्या है? नॉर्मलता। क्या कोई संबंध पढ़ा है नॉर्मलता और मोलरता में? वेरी गुड। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है? अरे इसमें मैं कुछ सवाल ही इनकम्प्लीट लिख देता हूँ। H3PO3 0.3 m H3PO3 हल्का फास्फोरस हम इसको बोलते हैं, सूत्र फास्फोरस। बच्चों सवाल फिर से करेक्ट करिए, 0.3 m फास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या है? H3PO3 की नॉर्मलता ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन करेक्ट करें, 0.3 m फास्फोरस अम्ल की, फास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO3। अच्छा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या है? हल मोलरता इंटू एक्स, तुरंत कल देखा था। अच्छा x क्या क्या हो सकता है? विस्थापनी h प्लस विस्थापनी OH माइनस, या धन आयनों की संख्या, या तो संयोजकता। अम्ल है तो क्या होगा? विस्थापनी h प्लस। एक दिन की क्लास में निकाला था, जिस दिन तुल्यांक की भार पढ़ रहे थे। बेटा H3PO3 के लिए x क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा? 3 होगा, 2 होगा कि 1 होगा? अच्छा एक तरीका कि तीनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएं, पर इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था इसके एक्स निकालने के लिए। अरे H3PO4 करवाया था, H3PO2 कराया था, H3PO3 कराया था, अलग से स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाए थे?
बोला था कि इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, कितने जोड़ने हैं ऑक्सीजन? तीन ऑक्सीजन जोड़ने हैं, तो एक दो तीन, ये जुड़ गए, एक दो तीन। अच्छा, फास्फोरस कितनी बैलेंसी शो करता है? तीन की पांच, पांच। अगर पांच के पांचों इसको जोड़ने पड़ेंगे, दो एक तीन एक चार एक पांच, मैं ये हाइड्रोजन ऊपर जोड़ देता तो यहाँ पे जगह खाली रह जाती, तो इसमें कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस होंगे? दो, तीन नहीं होंगे। तो इसके लिए एक्स कितना रखेंगे? तीन नहीं रखेंगे। डायरेक्ट लोग देख के तीन रख देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो नॉर्मलता कितनी आ गई बेटा? नॉर्मलता कितनी आ गई? 0.3 × 2। इसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, और हमेशा क्वेश्चन इसी से रिलेट करके पूछता है, इसीलिए इसके अलग से बताए थे कि इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, या तो हमको एग्जैक्टली याद हो कहीं टेबल बना के कि ये है तो ये है, ये है तो ये है, इतने डिस्प्लेस्ड होते हैं, या इसकी क्षारकता दो है इसलिए इसमें दो रखना है ना कि तीन रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, 3MnaCl के विलयन का घनत्व 1.252 ग्राम प्रति ml है, तो मोललता ज्ञात कीजिए, तो मोललता ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक संबंध होता है मोललता और मोलरता में, एक संबंध होता है मोललता और मोलरता में, ये आपके सामने लिखा है। यहाँ पे m क्या है आपकी? मोलरता। गुणे कितना है? 1000। ये d का मतलब क्या है? घनत्व, डेंसिटी। m का मतलब क्या है? मोललता। mw का मतलब क्या है? मॉलिकुलर वेट, मोलर द्रव्यमान। इसका मतलब क्या है? मोलर द्रव्यमान। बच्चों, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस सूत्र में रख के किया जा सकता है, डायरेक्टली इस सूत्र में रख के किया जा सकता है। अब ये सूत्र कहाँ से बना है तो बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है ना, तो इस पे हम सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले इस सवाल को सॉल्व करें। एम की जगह कितना रख दें? 3। इसकी जगह कितना रख दूँ? डी की जगह कितना रख दूँ? एम की जगह कितना रख दूँ? 3। एम डब्ल्यू का मतलब क्या? मोलर द्रव्यमान। किसका? NaCl का। NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 58.5। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, और 23 + 35.5 कितना होगा? 58। क्या इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? इसको रख के सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा 2.9। अब मात्रक क्या लिख देंगे? मोल प्रति केजी। इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आएगा। अब सॉल्यूशन तो हमें करना पड़ेगा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर वैल्यू रखो। एग्जैक्टली कैलकुलेशन इतने आसान नहीं, नहीं यार, ये माइनस लगा है ना, पहले गुणा होगा फिर घटेगा, फिर डायरेक्ट नहीं काट सकते 1000 क्योंकि कॉमन नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यूरिया 3000 ppm भार से जलीय विलयन का घनत्व इतना है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। बेटा, हम मोलरता का सूत्र जानते हैं, मोलों की संख्या बटे, हमको दो चीज़ें निकालने को रह गई, एक मोलों की संख्या, एक आयतन। अच्छा, इस जानकारी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब है 10^6 ग्राम विलयन में 3000 ग्राम क्या है? यूरिया है। तो यूरिया का द्रव्यमान कितना मिल गया? अच्छा, मोलों की, यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO का मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या निकालनी तो दो चीज़ें चाहिए, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान होता बेटा 60, 14 2 16 16 12 28 28 2 37 44 54 58 2 60। जब आप निकालेंगे अणु भार परमाणु भार तो 60। अच्छा, आयतन किसका निकालना है? विलयन का आयतन। अच्छा, विलयन का क्या दिया है? घनत्व।
ये क्या दिया है विलयन का? द्रव्यमान, द्रव्यमान पता है, घनत्व पता है, आयतन का कोई सूत्र आपको याद है? याद है, आयतन बराबर बेटा क्या होता है? गुड, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे घनत्व। किस में निकालना आयतन? लीटर में। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट। द्रव्यमान की जगह आपने कितना रखा विलयन का, घनत्व की जगह कितना रखा आपने, लेकिन ये किस में आएगा आयतन? ml में। क्यों? ये ग्राम में रखा, ये किस में रखा? ग्राम प्रति ml में। तो जो आंसर किस में आएगा? मिलीलीटर को लीटर में कैसे बदलते हैं? यदि मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो किससे भाग दे दे? 1000 से। 3 to 0 क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। 3 to 0 बचेंगे। अब सब उठा के फाइनली यहाँ पे रखिए, कैलकुलेट करिए, जो आ जाए। कितना आया था आपका? अच्छा हाँ, तब इसको सॉल्व करना है। m बराबर n की जगह कितना रख देंगे? कहाँ गया n? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, 3000 बटे 60। आयतन की जगह कितना रख देंगे? 1000 बटे 1.04। ये 1.04 कहाँ चला जाएगा? इतनी मैथ तो हम आते नाते मान के चलें कि नीचे से ऊपर पहुंच गया। 3 0 से 3 0 मर गए। m बराबर कितना आ गया? 3 2 सही तो है, वेरी गुड, उत्तर ही आएगा जितना आपने बोला है। अरे इससे इसमें भागे तो देना है, अभी और भी काट सकते, 2 दहम। अरे समझ गए ना, इससे 2 में भाग देंगे। गलत लिखा सही लिखा है? गलत लिखा है। अरे 52 2 104 होता है। अच्छा 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0. ये कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी, पॉइंट पॉइंट वाली, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी। खासकर केमिस्ट्री में जब तक कैलकुलेशन है तो ये पॉइंट वाइंट वाला काटना पीटना हमको करना पड़ेगा। बस यही आंसर है, 0.052 मोल प्रति लीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम पानी के साथ घोला जाए तो NaCl का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। अच्छा मोल प्रभाज का 1/ सही होगा, 18.95। चलिए कर ही लेते हैं ना 1/51। NaCl के मोल प्रभाज का सूत्र क्या बनेगा? NaCl के मोलों की संख्या, अब भैया बटे में क्या आ जाएगा? पूरा संपूर्ण, संपूर्ण में क्या क्या है? ये विलेय है, ये क्या है? मिलाएगा NaCl के मोल प्लस दूसरा क्या है? अच्छा मोल का एक सूत्र एकदम दिमाग में याद कर लीजिए, द्रव्यमान बटे, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। NaCl का द्रव्यमान कितना है? 5. अच्छा मोलर द्रव्यमान कितना होता है? रट जाना चाहिए, 58.5। NaCl के मोल की जगह क्या रख देंगे? H2O के सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान बटे H2O का द्रव्यमान कितना है? H2O का मोलर द्रव्यमान 18। हल कर लीजिए, 1/51 आ रहा है, सही होगा, क्योंकि इस सवाल में कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान है। अच्छा इसको इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा बताते जाइए? 10 आएगा कि 1/10? वेरी गुड, 0.1। कैसे? हल करने पे ना, 0.0 घटाने हैं। अरे 2 to 0.1 to 0.1 हट जाएगा, एक अंक आगे खिसक जाएगा, फिर भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। 0.0 हटाएं तो नीचे 2 0 ऊपर 1 0, तो इससे ये कट गया 10/100, 1 0 कट गया, 1/10 का मतलब 0.1 होता। ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? एग्जैक्टली 1/51 है। इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये क्या है?
एक बटे यूनिट क्या लिखते हैं, कुछ नहीं, मोल फ्रैक्शन अनुपात है इसका, उसके तुलना में अनुपात ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/51। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 1N 250 ml Cl को 2N 750 ml HNO3 के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण की नॉर्मलता क्या होगी, और मिलाया जाए तो प्राप्त मिश्रण की मोलरता क्या होगी। दो सवाल हैं, एक नॉर्मलता निकालनी है, एक मोलरता निकालनी है। बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको घर पे करना